हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप NCERT में एज ए टीचर ज्वाइन करना चाहते हो, अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई हुई है। वन बाय वन सारे सब्जेक्ट की भी बात करेंगे, रिक्रूटमेंट जो है, एज की जो एज रिलैक्सेशन है वो मिलेगा, किन किन लोगों को, एज की क्राइटेरिया क्या है, और सारी बातें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे PGT, TGT और PRT के बारे में। उससे पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं। देखिए, यहाँ से आपको एक ईमेल आईडी दिख रहा होगा, yourmithunsinghat@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsinh। आपको बस ईमेल कर लेना है रिगार्डिंग KBS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नवोदय विद्यालय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या DSSSB के सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, आई रिपीट, ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको ओनली 50 rupees में प्रोवाइड कर दिया जाएगा और टोटल पेपर आपको मिलेंगे 101। जी हाँ, 101 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेने के लिए आपको 50 rupees का पेमेंट करना है। जो इंटरेस्टेड है ईमेल कर लीजिए, इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsinh। तो चलिए बात करेंगे PGT, बायो, TGT, साइंस। देखिए, बहुत सारे रिक्रूटमेंट है, मैं वन बाय वन आपके सामने पढ़ देता हूँ और इंटरव्यू की डेट भी रख देता हूँ। देखिए, आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूँ आपको, बस एक छोटा सा सवाल का जवाब देना है। अभी भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? बस नीचे कमेंट करके आप अपने आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें, और इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का भी नाम आप लिख दोगे। तो चलिए बात करते हैं PGT बायो, TGT साइंस, TGT के अलावा PGT फिजिक्स में, PGT कॉमर्स, PGT होम साइंस, PGT इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, WET एग्रीकल्चर, PGT इकोनॉमिक्स, TGT कंप्यूटर, TGT उर्दू, TGT गुजराती, रेडियो एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी रिक्रूटमेंट है, फाइन आर्ट की भी रिक्रूटमेंट है। TGT के लिए देखिए, फाइन आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी PGT के लिए है, TGT के लिए भी ज्योग्राफी है, TGT के लिए हिस्ट्री है, और प्राइमरी टीचर की भी रिक्रूटमेंट है। इंटरव्यू देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, PRT के लिए 30 साल एज रखा गया है जनरल वाले के लिए, OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन, और SC ST कैटेगरी से आप आते हो तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। आगे देख लीजिए, TGT के लिए 35 साल और 40 साल जो है PGT के लिए एज रखा गया है। महिलाओं को 10 साल का रिजर्वेशन मिलता है, 10 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है आपके कैटेगरी को छोड़कर। अगर कोई OBC से है तो 13 साल महिलाओं को एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाय द वे, कोई डाउट रह जाता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने एज को मेंशन करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो देखिए, ये जो रिक्रूटमेंट आई है, इंटरव्यू 18 से इसका स्टार्ट हो जाएगा, और इंटरव्यू के लिए वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है, डायरेक्ट पहुंचे और इंटरव्यू देकर आप अपना सिलेक्शन करा सकते हो। तो इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करके अगर आपका कोई डाउट हो इंटरव्यू की, अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो yourmithunsinh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsinh। जी हाँ, ओनली 399 का एक छोटा सा कोर्स है जहाँ पे आपको इंटरव्यू के 5 सेशन दिए जाएंगे, और आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर किया जाएगा, आपकी जो टीचिंग प्रोफेंसी टेस्ट है उसको भी ठीक किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको बता दूं ये रिक्रूटमेंट एक्चुअली आई कहाँ से है। यहाँ से देख लो, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर से आई हुई है ये रिक्रूटमेंट, और NAAC, अगर कोई फुल फॉर्म लिखते तो बड़ा भला हो उनका, ताकि और लोग भी जान पाएँ। NAAC के द्वारा A+ ग्रेड दिया गया है इस इंस्टीट्यूट को, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, इस फॉर्म को भरकर आपको ले जाना है प्रिंट आउट निकाल कर। प्रिंट आउट के लिए अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।